वीजा नियमों के उल्लंघन पर जेल भेजे गए श्रीलंका मूल के जमाती अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र की मस्जिद रंग रेजान में क्वारंटाइन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने कल शाम को जेल भेज दिया। इन दोनों टूरिस्ट वीजा पर अलीगढ़ आए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्म प्रचार की गतिविधियों में हिस्सा लिया था। इन लोगों ने देश में आने के बाद कहीं भी फॉर्म सी नहीं भरा हुआ था। पुलिस ने अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इनको कल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने श्रीलंका दूतावास को भी सूचित कर दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की तलाश में पुलिस ने 1 अप्रैल से अभियान चलाया था। इसमें कई मदरसों और मस्जिदों की जांच की गई थी। इस दौरान करीब 72 जमाती पकड़े गए थे। इन्हें मस्जिदों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने रंग रेजान मस्जिद में मिले दो श्रीलंकाई मूल के जमातियों सहित 13 जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। इन जमातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मस्जिद में पकड़े गए दो श्रीलंकाई जमाती, जिसमें मोहम्मद मुर्शिद व एमजे हफलूर रहमत भी शामिल थे, इनके पासपोर्ट भी जब्त कर दूतावास को रिपोर्ट भेजी गई थी। दोनों टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। 2 दिन दिल्ली मरकज में शामिल होने के बाद ये दोनों 1 अप्रैल को अलीगढ़ पहुंच गए थे, जहां पहले ये शाह जमाल पहुंचे, फिर रंग रेजान मस्जिद पहुंचे थे। इन दोनों श्रीलंका मूल के जमातियों ने अलीगढ़ आने के बाद फॉर्म सी भी नहीं भरा था, जबकि नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति वीजा पर भारत आने के बाद देश के जिस शहर में जाएगा, वहां के संबंधित प्रधान, पार्षद, रिश्तेदार या होटल मैनेजर के सहयोग से थाना पुलिस के पास जाकर फॉर्म सी भरने की प्रक्रिया पूरा करता है, जिससे उसे बताना होता है कि वह किस देश से है और किस उद्देश्य से भारत में आया है और कब तक रहेगा। जांच में पता चला है कि उन्होंने कहीं भी फॉर्म सी भी नहीं भर रखा है। अलीगढ़ प्रशासन को अब तक सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार था। जब सरकार के स्तर से गाइडलाइन आई तो पुलिस ने इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अलीगढ़ के एसपी सिटी अभिषेक ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में रंग रेजान मस्जिद में चेकिंग के दौरान 13 व्यक्ति मिले थे, जिन्हें बताया गया कि यह जमाती हैं। इनमें 2 व्यक्ति श्रीलंका के थे। इनके विषय में यह आया कि यह पर्यटक वीजा के संबंध में आए हैं और धार्मिक कार्य में संलिप्त हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो व्यक्ति श्रीलंकाई संबंधित थे, उनको कल विवेचना में कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र में रंगरेजान मस्जिद में पूर्ववत चेकिंग के दौरान 13 व्यक्ति मिले थे, जिन्हें प्रबंधकों द्वारा बताया गया था कि ये जमात से संबंधित है। इसमें 2 व्यक्ति श्रीलंका के हैं और इनके विषय में ये सामने आया था कि पर्यटक वीजा से संबंधित डिटेल छुपाकर ये धार्मिक कार्य जो जमात से संबंधित है उसमें लगे हुए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली क्षेत्र में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आईपीसी की सुसंगत धाराएं, एपिडेमिक एक्ट और विदेशी अधिनियम के अंतर्गत जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो 2 व्यक्ति श्रीलंका से संबंधित थे, उन्हें दिनांक 5 मई 2020 को विवेचना में कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया और विवेचना इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई।